इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुआं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में, जो कि आई थी 1989 में। तो इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में, और हम यह भी बताएंगे कि आप इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चांदनी मूवी 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद्र द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है, और श्रीदेवी भी हैं, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच बटी हुई है। इसी कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों, 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया, लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड, रोमांटिक, इमोशनल, सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1989 को यशराज फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी को चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता। सर्वश्रेष्ठ छायाकांत भी जीता। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। तो रोहित गुप्ता को पहली नजर में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है, जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों, इसी मूवी की कुछ स्टोरी है। तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी, तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb पर 10/6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइफ की तरफ से 5/4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5/4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की। तो दोस्तों, यूट्यूब पर इसको आप 50 रुपये देख कर देख सकते हैं, और अमेजोन प्राइम वीडियो पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं, और
गूगल प्ले मूवीज इस टीवी पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे, एप्पल टीवी पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो होप आप लोग पसंद वीडियो लाइक होगी, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में जो कि आई थी 1989 में। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में, और हम यह भी बताएंगे कि आप इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चांदनी मूवी 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद्र द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है, और श्रीदेवी भी हैं, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया, लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है, हीरोइन ओरिएंटेड रोमांटिक इमोशनल सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1989 को यशराज फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी को चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता सर्वश्रेष्ठ छायांकन भी जीता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। तो रोहित गुप्ता को पहली नजर में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है, जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों इसी मूवी की कुछ स्टोरी है। तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी, तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb पर 10/6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइफ की तरफ से 5/4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5/4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की। तो दोस्तों यूट्यूब पर इसको आप 50 रुपये देखकर देख सकते हैं, और अमेजोन प्राइम वीडियो पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं, और गूगल प्ले मूवीज इस टीवी पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे, एप्पल टीवी पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो होप आप लोग पसंद वीडियो लाइक होगी, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में जो कि आई थी 1989 में। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में, और हम यह भी बताएंगे कि आप इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चांदनी मूवी 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जिसका निर्देशन और
सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद्र द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है और श्रीदेवी भी हैं, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों, 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया, लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है, हीरोइन ओरिएंटेड रोमांटिक इमोशनल सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1989 को यशराज फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी को चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता, सर्वश्रेष्ठ छायाकांश भी जीता। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। तो रोहित गुप्ता को पहली नज़र में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है, जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों, ऐसे ही मूवी की कुछ स्टोरी है। तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी, तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb पर 10/6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइफ की तरफ से 5/4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5/4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की। तो दोस्तों, यूट्यूब पर इसको आप 50 रुपये देखकर देख सकते हैं और अमेजोन प्राइम वीडियो पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। और गूगल प्ले मूवीज TV पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। एप्पल TV पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो होप आप लोगों को पसंद है वीडियो, लाइक जरूर कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में, जो कि आई थी 1989 में। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में। और हम यह भी बताएंगे कि आप इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चांदनी मूवी 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद्र द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है और श्रीदेवी भी हैं, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों, 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका
सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया। लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड रोमांटिक इमोशनल सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1989 को यश राज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी को चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता। सर्वश्रेष्ठ छायाकांत भी जीता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। तो रोहित गुप्ता को पहली नजर में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है, जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों इसी मूवी की कुछ स्टोरी है। तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb पर 10/6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइफ की तरफ से 5/4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5/4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की। तो दोस्तों यूट्यूब पर इसको आप 50 रुपये देखकर देख सकते हैं और अमेजोन प्राइम वीडियो पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। और गूगल प्ले मूवीज TV पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। एप्पल TV पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो होप आप लोग पसंद वीडियो को लाइक जो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर दीजिए। मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में, जो कि आई थी 1989 में। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में और हम यह भी बताएंगे कि आप वो इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चांदनी मूवी 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद्र द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है और श्रीदेवी भी हैं, जो एक युवा जोशीली महिला है जो 2 प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया। लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड रोमांटिक इमोशनल सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1989 को यश राज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार
रूप से सफल रही और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थापित की स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता। सर्वश्रेष्ठ छायाकांश भी जीता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। तो रोहित गुप्ता को पहली नज़र में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है, जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों ऐसे ही मूवी की कुछ स्टोरी है। तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb पर 10/6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइव की तरफ से 5/4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5/4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की। तो दोस्तों यूट्यूब पर इसको आप 50 रुपये देखकर देख सकते हैं और अमेजोन प्राइम वीडियो पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं और गूगल प्ले मूवीज TV पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। एप्पल TV पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो ये होप आप लोगों को पसंद वीडियो लाइक जुड़ी, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में, जो कि आई थी 1989 में। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में और हम यह भी बताएंगे कि आप इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चांदनी मूवी 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद्र द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है और श्रीदेवी भी हैं, जो एक युवा जोशीली महिला है जो 2 प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया। लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड, रोमांटिक, इमोशनल, सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1989 को यशराज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थापित की
स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी को चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता। सर्वश्रेष्ठ छायाकांश भी जीता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। तो रोहित गुप्ता को पहली नजर में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों ऐसे ही मूवी की कुछ स्टोरी है। तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb 10/6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइफ की तरफ से 5/4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5/4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की। तो दोस्तों यूट्यूब पर इसको आप 50 रुपये देख कर देख सकते हैं और अमेजोन प्राइम वीडियो पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। और गूगल प्ले मूवीज TV पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। एप्पल TV पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो होप आप लोगों को पसंद वीडियो लाइक होगी। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में जो कि आई थी 1989 में। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में और हम यह भी बताएंगे कि आप इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चांदनी मूवी 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद्र द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है और श्रीदेवी भी हैं, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया। लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड, रोमांटिक, इमोशनल, सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1989 को यशराज फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी को चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता। सर्वश्रेष्ठ छायाकांश भी जीता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। तो रोहित गुप्ता को पहली नजर में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत
सगाई अतः सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों इसी मूवी की कुछ स्टोरी है, तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी, तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb पर 10/6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइफ की तरफ से 5/4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5/4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की, तो दोस्तों YouTube पर इसको आप 50 रुपये देखकर देख सकते हैं और Amazon Prime Video पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं और Google Play Movies TV पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। Apple TV पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो ये होप आप लोग पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में, जो कि आई थी 1989 में। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में, और हम यह भी बताएंगे कि आप वो इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चांदनी मूवी 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद्र द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है और श्रीदेवी भी हैं, जो एक युवा जोशीली महिला है जो 2 प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया। लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड रोमांटिक इमोशनल सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1989 को यशराज फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी को चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता। सर्वश्रेष्ठ छायाकांश भी जीता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। रोहित गुप्ता को पहली नजर में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है, जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई अतः सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं
और उससे शादी करने के लिए कहता है, वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों ऐसे ही मूवी की कुछ स्टोरी है, तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी, तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb पर 10 out of 6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइफ की तरफ से 5 out of 4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5 out of 4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की, तो दोस्तों यूट्यूब पर इसको आप 50 रुपये देख कर देख सकते हैं, और अमेजोन प्राइम वीडियो पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं, और गूगल प्ले मूवीज TV पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। एप्पल TV पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो होप आप लोगों को पसंद है वीडियो, लाइक जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में, जो कि आई थी 1989 में। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में, और हम यह भी बताएंगे कि आप वो इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चांदनी मूवी 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद्र द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है, और श्रीदेवी भी हैं, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया। लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड रोमांटिक इमोशनल सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1989 को यशराज फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी को चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता। सर्वश्रेष्ठ छायाकांत भी जीता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। रोहित गुप्ता को पहली नजर में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है, जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए कहता है, वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों ऐसे ही मूवी की कुछ स्टोरी है, तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी, तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb पर 10 out of 6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइफ की तरफ से 5 out of 4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5 out of 4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की,
तो दोस्तों यूट्यूब पर इसको आप 50 रुपये देकर देख सकते हैं, और अमेजोन प्राइम वीडियो पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं, और गूगल प्ले मूवीज टीवी पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे, एप्पल टीवी पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो आई होप आप लोग पसंद वीडियो को लाइक जो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में जो कि आई थी 1989 में। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में, और हम यह भी बताएंगे कि आप वो इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चांदनी मूवी 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद्र द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है, और श्रीदेवी भी हैं, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया, लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड, रोमांटिक, इमोशनल, सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1989 को यशराज फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग के शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी को चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता, सर्वश्रेष्ठ छायाकांश भी जीता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। तो रोहित गुप्ता को पहली नज़र में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है, जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों ऐसे ही मूवी की कुछ स्टोरी है। तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb पर 10/6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइव की तरफ से 5/4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5/4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की। तो दोस्तों यूट्यूब पर इसको आप 50 रुपये देखकर देख सकते हैं, और अमेजोन प्राइम वीडियो पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं, और गूगल प्ले मूवीज टीवी पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे, एप्पल टीवी पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो आई होप आप लोग पसंद वीडियो को लाइक जो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांद्री मूवी के बारे में जो कि आई थी 1989 में। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में, और हम यह भी बताएंगे कि आप इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। चांदनी मूवी 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद्र द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है, और श्रीदेवी भी हैं, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया। लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड, रोमांटिक, इमोशनल, सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1989 को यशराज फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी को चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता। सर्वश्रेष्ठ छायाकांत भी जीता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। तो रोहित गुप्ता को पहली नजर में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है, जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों इसी मूवी की कुछ स्टोरी है। तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी, तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb पर 10/6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइफ की तरफ से 5/4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5/4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की। तो दोस्तों यूट्यूब पर इसको आप 50 रुपये देख कर देख सकते हैं, और अमेजोन प्राइम वीडियो पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं, और गूगल प्ले मूवीज TV पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। एप्पल TV पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो होप आप लोग पसंद वीडियो लाइक होगी, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में जो कि आई थी 1989 में। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में, और हम यह भी बताएंगे कि आप इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। चांदनी मूवी 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग,
अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है और श्रीदेवी भी हैं, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों, 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया। लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड, रोमांटिक, इमोशनल, सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1979 को यशराज फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1979 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग के शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी को चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता। सर्वश्रेष्ठ छायाकांत भी जीता। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। तो रोहित गुप्ता को पहली नजर में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है, जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों, इसी मूवी की कुछ स्टोरी है। तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी, तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb पर 10/6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइफ की तरफ से 5/4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5/4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की। तो दोस्तों, YouTube पर इसको आप 50 रुपये देखकर देख सकते हैं और Amazon Prime Video पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं और Google Play Movies TV पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। Apple TV पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो ये होप आप लोग पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में, जो कि आई थी 1979 में। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में और हम यह भी बताएंगे कि आप इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चांदनी मूवी 1979 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है और श्रीदेवी भी हैं, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों, 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और
जड़ों को और मजबूत किया, लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा सैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड रोमांटिक इमोशनल सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1989 को यशराज फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थापित की स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी को चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता। सर्वश्रेष्ठ छायाकांश भी जीता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। तो रोहित गुप्ता को पहली नज़र में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है, जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों ऐसे ही मूवी की कुछ स्टोरी है। तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी, तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb पर 10/6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइफ की तरफ से 5/4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5/4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की। तो दोस्तों यूट्यूब पर इसको आप 50 रुपये देखकर देख सकते हैं और अमेजोन प्राइम वीडियो पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। और गूगल प्ले मूवीज TV पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। एप्पल TV पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो होप आप लोगों को पसंद है वीडियो, लाइक जरूर कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में, जो कि आई थी 1989 में। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में। और हम यह भी बताएंगे कि आप इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चांदनी मूवी 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद्र द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है और श्रीदेवी भी हैं, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया। लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड रोमांटिक इमोशनल सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1989 को यशराज फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से
एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थापित की स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता। सर्वश्रेष्ठ छायाकांश भी जीता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। तो रोहित गुप्ता को पहली नजर में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है, जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों इसी मूवी की कुछ स्टोरी है। तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb पर 10/6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइफ की तरफ से 5/4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5/4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की। तो दोस्तों यूट्यूब पर इसको आप 50 रुपये देखकर देख सकते हैं और अमेजोन प्राइम वीडियो पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। और गूगल प्ले मूवीज TV पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। एप्पल TV पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो होप आप लोग पसंद वीडियो को लाइक जो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में, जो कि आई थी 1989 में। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में और हम यह भी बताएंगे कि आप इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चांदनी मूवी 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद्र द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है और श्रीदेवी भी हैं, जो एक युवा जोशीली महिला है जो 2 प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया। लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड, रोमांटिक, इमोशनल, सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1989 को यशराज फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी को चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक
के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता, सर्वश्रेष्ठ छायाकांश भी जीता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। तो रोहित गुप्ता को पहली नज़र में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों ऐसे ही मूवी की कुछ स्टोरी है। तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb पर 10/6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइफ की तरफ से 5/4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5/4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की। तो दोस्तों यूट्यूब पर इसको आप 50 रुपये देखकर देख सकते हैं और अमेजोन प्राइम वीडियो पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। और गूगल प्ले मूवीज TV पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। एप्पल TV पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो ये होप आप लोगों को पसंद वीडियो लाइक जरूर, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में जो कि आई थी 1989 में। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में और हम यह भी बताएंगे कि आप वो इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चांदनी मूवी 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद्र द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है और श्रीदेवी भी हैं, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया। लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड, रोमांटिक, इमोशनल, सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1989 को यशराज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी को चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता, सर्वश्रेष्ठ छायाकांश भी जीता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। तो रोहित गुप्ता को पहली नज़र में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में
अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों ऐसे ही मूवी की कुछ स्टोरी है, तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी, तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb पर 10/6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइफ की तरफ से 5/4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5/4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की, तो दोस्तों यूट्यूब पर इसको आप 50 रुपये देख कर देख सकते हैं और अमेजोन प्राइम वीडियो पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। और गूगल प्ले मूवीज TV पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। एप्पल TV पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो होप आप लोगों को पसंद है वीडियो, लाइक जरूर, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में, जो कि आई थी 1989 में। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में, और हम यह भी बताएंगे कि आप इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चांदनी मूवी 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद्र द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है और श्रीदेवी भी हैं, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया। लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड, रोमांटिक, इमोशनल, सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1989 को यश राज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी को चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता। सर्वश्रेष्ठ छायाकांत भी जीता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। तो रोहित गुप्ता को पहली नजर में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है, जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए
कहता है वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों ऐसे मूवी की कुछ स्टोरी है, तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी, तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग इसको IMDb पर 10 out of 6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइफ की तरफ से 5 out of 4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5 out of 4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की, तो दोस्तों यूट्यूब पर इसको आप 50 रुपये देखकर देख सकते हैं, और अमेजोन प्राइम वीडियो पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं, और गूगल प्ले मूवीज इस टीवी पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। एप्पल टीवी पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो ये होप आप लोग पसंद है वीडियो, लाइक जरूर, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में, जो कि आई थी 1989 में। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में, और हम यह भी बताएंगे कि आप वो इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चांदनी मूवी 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद्र द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है, और श्रीदेवी भी हैं, जो एक युवा जोशीली महिला है जो 2 प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया, लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड रोमांटिक इमोशनल सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1989 को यशराज फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी को चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता। सर्वश्रेष्ठ छायाकांश भी जीता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। तो रोहित गुप्ता को पहली नजर में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है, जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों ऐसे मूवी की कुछ स्टोरी है, तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी, तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb पर 10 out of 6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइफ की तरफ से 5 out of 4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5 out of 4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की, तो दोस्तों यूट्यूब पर इसको आप 50 रुपये देखकर देख सकते हैं, और अमेजोन प्राइम वीडियो पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं, और
गूगल प्ले मूवीज इस टीवी पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे, एप्पल टीवी पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो होप आप लोगों को पसंद है वीडियो, लाइक जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में जो कि आई थी 1989 में। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में, और हम यह भी बताएंगे कि आप इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चांदनी मूवी 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद्र द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है, और श्रीदेवी भी हैं, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया। लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड, रोमांटिक, इमोशनल, सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1989 को यशराज फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी को चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता। सर्वश्रेष्ठ छायाकांश भी जीता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। तो रोहित गुप्ता को पहली नजर में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है, जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों इसी मूवी की कुछ स्टोरी है। तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb पर 10/6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइफ की तरफ से 5/4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5/4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की। तो दोस्तों यूट्यूब पर इसको आप 50 रुपये देखकर देख सकते हैं, और अमेजोन प्राइम वीडियो पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं, और गूगल प्ले मूवीज इस टीवी पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे, एप्पल टीवी पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो होप आप लोगों को पसंद है वीडियो, लाइक जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में जो कि आई थी 1989 में। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में, और हम यह भी बताएंगे कि आप इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चांदनी मूवी 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जिसका निर्देशन और
सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है और श्रीदेवी भी हैं, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों, 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया। लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड, रोमांटिक, इमोशनल, सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1979 को यशराज फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1979 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग के शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी को चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता। सर्वश्रेष्ठ छायाकांत भी जीता। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। रोहित गुप्ता को पहली नजर में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है, जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों, ऐसे ही मूवी की कुछ स्टोरी है। तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी, तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb पर 10/6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइव की तरफ से 5/4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5/4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की। तो दोस्तों, YouTube पर इसको आप 50 रुपये देखकर देख सकते हैं और Amazon Prime Video पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं और Google Play Movies TV पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। Apple TV पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो ये होप आप लोग पसंद है वीडियो, लाइक जरूर, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में, जो कि आई थी 1979 में। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में और हम यह भी बताएंगे कि आप इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चांदनी मूवी 1979 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है और श्रीदेवी भी हैं, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों, 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका
सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया। लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड रोमांटिक इमोशनल सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1989 को यशराज फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थापित की स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी को चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता। सर्वश्रेष्ठ छायाकांत भी जीता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। तो रोहित गुप्ता को पहली नजर में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है, जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों ऐसे ही मूवी की कुछ स्टोरी है। तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb 10/6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई। बॉलीवुड लाइफ की तरफ से 5/4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5/4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की। तो दोस्तों यूट्यूब पर इसको आप 50 रुपये देख कर देख सकते हैं और अमेजोन प्राइम वीडियो पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। और गूगल प्ले मूवीज टीवी पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। एप्पल टीवी पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो होप आप लोगों को पसंद वीडियो लाइक होगी। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में, जो कि आई थी 1989 में। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में। और हम यह भी बताएंगे कि आप इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चांदनी मूवी 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है और श्रीदेवी भी हैं, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया। लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड रोमांटिक इमोशनल सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1989 को यशराज फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार
रूप से सफल रही और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थापित की स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता, सर्वश्रेष्ठ छायाकांत भी जीता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। तो रोहित गुप्ता को पहली नज़र में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है, जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों इसी मूवी की कुछ स्टोरी है। तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb पर 10/6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइफ की तरफ से 5/4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5/4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की। तो दोस्तों YouTube पर इसको आप 50 रुपये देखकर देख सकते हैं और Amazon Prime Video पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं और Google Play Movies TV पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। Apple TV पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो ये होप आप लोग पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में, जो कि आई थी 1989 में। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में और हम यह भी बताएंगे कि आप वो इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चांदनी मूवी 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद्र द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है और श्रीदेवी भी हैं, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया। लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड रोमांटिक इमोशनल सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1989 को यशराज फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थापित की
स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी को चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता। सर्वश्रेष्ठ छायाकांश भी जीता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। तो रोहित गुप्ता को पहली नज़र में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों ऐसे ही मूवी की कुछ स्टोरी है। तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb पर 10/6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइफ की तरफ से 5/4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5/4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की। तो दोस्तों यूट्यूब पर इसको आप 50 रुपये देख कर देख सकते हैं और अमेजोन प्राइम वीडियो पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। और गूगल प्ले मूवीज TV पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। एप्पल TV पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो होप आप लोगों को पसंद है वीडियो, लाइक जरूर कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में जो कि आई थी 1989 में। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में। और हम यह भी बताएंगे कि आप इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चांदनी मूवी 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद्र द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है और श्रीदेवी भी हैं, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया। लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड, रोमांटिक, इमोशनल, सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1989 को यश राज फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी को चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता। सर्वश्रेष्ठ छायाकांश भी जीता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। तो रोहित गुप्ता को पहली नज़र में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत
सगाई अतः सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों ऐसे ही मूवी की कुछ स्टोरी है, तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb पर 10/6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइफ की तरफ से 5/4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5/4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की, तो दोस्तों यूट्यूब पर इसको आप 50 रुपये देखकर देख सकते हैं और अमेजोन प्राइम वीडियो पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। और गूगल प्ले मूवीज इस TV पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। एप्पल TV पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो आई होप आप लोगों को पसंद है वीडियो, लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में जो कि आई थी 1989 में। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में और हम यह भी बताएंगे कि आप वो इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चांदनी मूवी 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद्र द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है और श्रीदेवी भी हैं, जो एक युवा जोशीली महिला है जो 2 प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया। लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड, रोमांटिक, इमोशनल, सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1989 को यशराज फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग के शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी को चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता। सर्वश्रेष्ठ छायाकांत भी जीता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। रोहित गुप्ता को पहली नजर में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है, जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई अतः सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं
और उससे शादी करने के लिए कहता है, वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों ऐसे ही मूवी की कुछ स्टोरी है, तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb पर 10 out of 6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइफ की तरफ से 5 out of 4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5 out of 4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की, तो दोस्तों यूट्यूब पर इसको आप 50 रुपये देखकर देख सकते हैं, और अमेजोन प्राइम वीडियो पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं, और गूगल प्ले मूवीज TV पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। एप्पल TV पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो ये होप आप लोगों को पसंद वीडियो, लाइक जरूर, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में, जो कि आई थी 1989 में। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में, और हम यह भी बताएंगे कि आप इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चांदनी मूवी 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद्र द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है, और श्रीदेवी भी हैं, जो एक युवा जोशीली महिला है जो 2 प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया। लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड रोमांटिक इमोशनल सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1989 को यशराज फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी को चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता। सर्वश्रेष्ठ छायाकांत भी जीता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। तो रोहित गुप्ता को पहली नजर में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है, जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए कहता है, वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों ऐसे ही मूवी की कुछ स्टोरी है, तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb पर 10 out of 6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइफ की तरफ से 5 out of 4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5 out of 4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की,
तो दोस्तों यूट्यूब पर इसको आप 50 रुपये देकर देख सकते हैं और अमेजोन प्राइम वीडियो पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं और गूगल प्ले मूवीज टीवी पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। एप्पल टीवी पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो होप आप लोग पसंद वीडियो लाइक होगी, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में जो कि आई थी 1989 में। तो इस मूवी से रिलेटेड फैक्टर जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में और हम यह भी बताएंगे कि आप इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चांदनी मूवी 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद्र द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है और श्रीदेवी भी हैं, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया, लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड, रोमांटिक, इमोशनल, सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1989 को यशराज फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी को चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता सर्वश्रेष्ठ छायाकांत भी जीता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। तो रोहित गुप्ता को पहली नजर में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है, जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों इसी मूवी की कुछ स्टोरी है। तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी, तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb पर 10/6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइफ की तरफ से 5/4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5/4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की। तो दोस्तों यूट्यूब पर इसको आप 50 रुपये देखकर देख सकते हैं और अमेजोन प्राइम वीडियो पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं और गूगल प्ले मूवीज टीवी पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। एप्पल टीवी पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो होप आप लोग पसंद वीडियो लाइक होगी, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में जो कि आई थी 1989 में। तो इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में, और हम यह भी बताएंगे कि आप इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। चांदनी मूवी 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद्र द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है, और श्रीदेवी भी हैं, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया, लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड रोमांटिक इमोशनल सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1989 को यशराज फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी को चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता। सर्वश्रेष्ठ छायाकांश भी जीता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। तो रोहित गुप्ता को पहली नज़र में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है, जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों इसी मूवी की कुछ स्टोरी है। तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी, तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb पर 10/6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइफ की तरफ से 5/4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5/4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की। तो दोस्तों यूट्यूब पर इसको आप 50 रुपये देखकर देख सकते हैं, और अमेजोन प्राइम वीडियो पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं, और गूगल प्ले मूवीज TV पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। एप्पल TV पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो होप आप लोगों को पसंद है वीडियो, लाइक जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में जो कि आई थी 1989 में। तो इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में, और हम यह भी बताएंगे कि आप इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। चांदनी मूवी 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी
की पाठकथा के साथ कामना चंद द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है और श्रीदेवी भी है, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों, 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया। लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड, रोमांटिक, इमोशनल, सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1989 को यशराज फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी को चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता। सर्वश्रेष्ठ छायाकांश भी जीता। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। रोहित गुप्ता को पहली नजर में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है, जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों, इसी मूवी की कुछ स्टोरी है। तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी, तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb पर 10/6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइफ की तरफ से 5/4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5/4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की, तो दोस्तों यूट्यूब पर इसको आप 50 रुपये देखकर देख सकते हैं और अमेजोन प्राइम वीडियो पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। और गूगल प्ले मूवीज TV पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। एप्पल TV पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो होप आप लोग पसंद वीडियो को लाइक जो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में, जो कि आई थी 1989 में। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में और हम यह भी बताएंगे कि आप इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चांदनी मूवी 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है और श्रीदेवी भी है, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों, 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया। लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी
फिल्म जिसमें यश चोपड़ा सैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड रोमांटिक इमोशनल सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1979 को यशराज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1979 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग के शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी को चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता। सर्वश्रेष्ठ छायाकांश भी जीता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। तो रोहित गुप्ता को पहली नज़र में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देख कर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों ऐसे ही मूवी की कुछ स्टोरी है। तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb पर 10/6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइव की तरफ से 5/4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5/4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की। तो दोस्तों YouTube पर इसको आप 50 रुपये देखकर देख सकते हैं और Amazon Prime Video पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं और Google Play Movies TV पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। Apple TV पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो ये होप आप लोग पसंद है वीडियो को, लाइक जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में जो कि आई थी 1979 में। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में और हम यह भी बताएंगे कि आप इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चांदनी मूवी 1979 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद्र द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है और श्रीदेवी भी हैं, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया। लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड रोमांटिक इमोशनल सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1979 को यशराज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1979 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष
के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंड ट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थापित की स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी को चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता। सर्वश्रेष्ठ छायाकांत भी जीता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। तो रोहित गुप्ता को पहली नजर में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों ऐसे ही मूवी की कुछ स्टोरी है। तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb 10/6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई। बॉलीवुड लाइफ की तरफ से 5/4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5/4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की। तो दोस्तों यूट्यूब पर इसको आप 50 रुपये देख कर देख सकते हैं और अमेजोन प्राइम वीडियो पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। और गूगल प्ले मूवीज टीवी पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। एप्पल टीवी पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो होप आप लोगों को पसंद वीडियो लाइक होगी। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में जो कि आई थी 1989 में। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में और हम यह भी बताएंगे कि आप इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चांदनी मूवी 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है और श्रीदेवी भी हैं, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया। लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड, रोमांटिक, इमोशनल, सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1989 को यश राज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी को चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक
के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता, सर्वश्रेष्ठ छायाकांत भी जीता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। तो रोहित गुप्ता को पहली नज़र में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई अतः सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों इसी मूवी की कुछ स्टोरी है। तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb पर 10/6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइफ की तरफ से 5/4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5/4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की। तो दोस्तों यूट्यूब पर इसको आप 50 रुपये देखकर देख सकते हैं और अमेजोन प्राइम वीडियो पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं और गूगल प्ले मूवीज टीवी पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। एप्पल टीवी पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो ये होप आप लोग पसंद वीडियो को लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में जो कि आई थी 1989 में। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में और हम यह भी बताएंगे कि आप वो इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चांदनी मूवी 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद्र द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है और श्रीदेवी भी हैं जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया। लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड रोमांटिक इमोशनल सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1989 को यशराज फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी को चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता, सर्वश्रेष्ठ छायाकांत भी जीता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। तो रोहित गुप्ता को पहली नज़र में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई अतः सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में
अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों ऐसे ही मूवी की कुछ स्टोरी है, तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी, तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb पर 10 out of 6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइफ की तरफ से 5 out of 4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5 out of 4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की, तो दोस्तों YouTube पर इसको आप 50 रुपये देखकर देख सकते हैं और Amazon Prime Video पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं और Google Play Movies TV पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। Apple TV पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो होप आप लोगों को पसंद है वीडियो, लाइक जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में जो कि आई थी 1989 में। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में और हम यह भी बताएंगे कि आप वो इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चांदनी मूवी 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद्र द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है और श्रीदेवी भी हैं, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया। लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड रोमांटिक इमोशनल सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1989 को यशराज फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी को चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता। सर्वश्रेष्ठ छायाकांत भी जीता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। रोहित गुप्ता को पहली नजर में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है, जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए
कहता है वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों ऐसे ही मूवी की कुछ स्टोरी है, तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी, तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb पर 10 out of 6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइफ की तरफ से 5 out of 4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5 out of 4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की, तो दोस्तों यूट्यूब पर इसको आप 50 रुपये देख कर देख सकते हैं, और अमेजोन प्राइम वीडियो पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं, और गूगल प्ले मूवीज इस TV पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। एप्पल TV पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो आई होप आप लोग पसंद वीडियो को लाइक जो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर दीजिए। मिलते हैं वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में, जो कि आई थी 1989 में। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में, और हम यह भी बताएंगे कि आप वो इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चांदनी मूवी 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद्र द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है, और श्रीदेवी भी हैं, जो एक युवा जोशीली महिला है जो 2 प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया। लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड रोमांटिक इमोशनल सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1989 को यशराज फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग के शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी को चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता। सर्वश्रेष्ठ छायाकांत भी जीता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। तो रोहित गुप्ता को पहली नजर में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है, जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों ऐसे ही मूवी की कुछ स्टोरी है, तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी, तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb पर 10 out of 6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइफ की तरफ से 5 out of 4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5 out of 4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की, तो दोस्तों यूट्यूब पर इसको आप 50 रुपये देख कर देख सकते हैं, और अमेजोन प्राइम वीडियो पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं, और
गूगल प्ले मूवीज इस टीवी पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे, एप्पल टीवी पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो ये होप आप लोगों को पसंद वीडियो लाइक जरूर, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चांदनी मूवी के बारे में जो कि आई थी 1989 में। तो इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में, और हम यह भी बताएंगे कि आप इस मूवी को कहां पर देख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चांदनी मूवी 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालाबाग, अरुण कोल और सागर सहरदी की पाठकथा के साथ कामना चंद्र द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में आपको चांदनी माथुर की मुख्य भूमिकाओं में है, और श्रीदेवी भी हैं, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच बटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिद रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता विशिष्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में इस मूवी में है। दोस्तों 80 के दशक ने चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका सहित किया। सफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और मजबूत किया, लौटने और एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। ऐसी फिल्म जिसमें यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। हीरोइन ओरिएंटेड रोमांटिक इमोशनल सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों में फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया। चांदनी को नाटकीय रूप से 14 सितंबर 1989 को यशराज फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म के व्यापार रूप से सफल रही और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक के सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी को स्थित और मजबूत कर दिया। वर्षों से चांदनी को चोपड़ा को बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 27वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता, सर्वश्रेष्ठ छायाकांत भी जीता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। तो रोहित गुप्ता को पहली नजर में एक खूबसूरत चांदनी माथुर से प्यार हो जाता है, जो उसे स्वीकार करती है। वे अनंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण चांदनी को नापसंद करते हैं। बाद में एक क्रूर दुर्घटना का सामना करने के बाद रोहित को दाहिने पैर में लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि वह एक अच्छा पति नहीं हो सकता। रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा उसे बॉम्बे में एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिलता है। ललित खन्ना उसका सुंदर आकर्षण चेहरा देखकर चांदनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। फिर कहानी हमें 2 साल बाद की दिखाई जाती है। दोस्तों इसी मूवी की कुछ स्टोरी है। तो मूवी की स्टोरी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में। रेटिंग्स को IMDb पर 10/6.7 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। बॉलीवुड लाइफ की तरफ से 5/4.8 की रेटिंग मिली हुई है। अमेजोन इनकी तरफ से 5/4.4 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। और गूगल यूजर्स की तरफ से 70% की लाइक मिली हुई है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के देखने की। तो दोस्तों यूट्यूब पर इसको आप 50 रुपये देख कर देख सकते हैं, और अमेजोन प्राइम वीडियो पर इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं, और गूगल प्ले मूवीज इस टीवी पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे, एप्पल टीवी पर भी आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये प्रीमियम मूवी आपको कहीं ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। तो होप आप लोगों को पसंद वीडियो लाइक जरूर, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।